if you are not gay. एक गाने के बिना हमारा ब्लॉग अधूरा इनकम्प्लीट है और गाना ये है। चलो देखो एक चीज दिखाऊं, ये देखो गुड मॉर्निंग राधे राधे, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग होगा बहुत ही खास क्योंकि हम जा रहे हैं एक नई जगह, वहाँ का एक्सपीरियंस एकदम नया है। मैं कल जा चुका हूँ लेकिन कल ब्लॉग नहीं बना पाया था क्योंकि कोई परेशानी थी, उसका ब्लॉग बनेगा आज। तो उम्मीद है ब्लॉग पूरा देखना, लास्ट तक देना, अगर मज़े ना आए तब कहना। तो सखाओ और सखियो ये है बस जिसमें हम जाएंगे, वो कहाँ, नोएडा के किड जेनिया पार्क, जो एक अलग ही दुनिया ना बच्चों की। और मैं अकेला तो जाता नहीं कभी, अपने साथ है अपने भोला यादव, लेकिन अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ही इज लिटिल बिट बिजी। भाई यार बच्चे बड़े मजेदार हैं, अभी क्लिप देखी होंगी आपने, बहुत मजेदार है बहुत। अभी रास्ते में रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए इस जगह पे, जो कि एक्सप्रेसवे के बीच में पड़ता है, ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद। भाई बच्चे मज़ेदार, सोचो रास्ते में इतना मज़ा, तो वहाँ पहुँचे क्या करेंगे, कर देंगे भाई किल करेंगे लड़के। ओ सभी बच्चे मिलाऊंगा एक एक करके, सबसे मिलता हूँ। बोला बालक कैसे, बालक क्या बताऊँगा कैसे, बहुत इन्हें शरारती बोलूं, मज़े तो आ रहे हैं तगड़े। और ये बता जिस जगह हम जा रहे हैं कैसा एक्सपीरियंस होने वाला, वहाँ पे एक अलग ही दुनिया है बच्चों के लिए, मज़े आएंगे नहीं आएंगे, बहुत मज़े आएंगे तगड़े। अभी तो बालकों से बात करो, अभी करेंगे अपनी बस में आने दे तब कर। से आए, हेलो मेरा नाम है, नाम ही नहीं पता तुम्हें अपना। हेलो मेरा नाम अयाज है और मैं इनके ब्लॉग चैनल पे आया हूँ, और मेरे को नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। कहाँ जा रहे हो? हम किड्जेनिया जा रहे हैं, वही बात करेंगे। हाँ। मजे आ रहे हैं बस में। हाँ भाई ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट बोला एक था, अभी बस में आ गए। अरे बस भाई अंकल है जी, ले आएंगे हमें, ठीक है। और ये सब बच्चा बालक, गुड मॉर्निंग बोल, गुड मॉर्निंग बताओ मजे आ रहे हैं? हाँ भाई मजे आ रहे हैं। क्या टूट जाने कोई दिक्कत नहीं है? क्या बहुत बढ़िया ऑर्डर था आपका, दूंगा अभी एक सेकंड। हाँ द्वारा बोलो, भाई ब्लॉग में बोलना किसी को कुछ। हाँ, बोला। बोलो इस बस में हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम किड्जेनिया जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। ये हमें भूल गए? हाँ नहीं भूले, बोल बस के बारे में बहुत अच्छा, बोलना है कुछ हमें बस के बारे में, बहुत अच्छा लग रहा है, हम किड्जेनिया जा रहे हैं बस, मुझे बोलो बोलो हाँ भाई भाई। बोलो
कौन सा चैनल है सब्सक्राइब करना, चैनल का नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? सिद्धांत। भाई सजाक बढ़िया, बहुत बहुत क्यूट है। अरे शशांक नहीं, सिद्धांत। ओ सिद्धांत बहुत क्यूट है। लव यादव, लव यादव, नहीं नहीं नहीं। हाँ इस भाई ने कर रखा है, बेल आइकन को दिलाया। बहुत बढ़िया। अभी गाने चलाना, कौन सा गाना चलाना बताओ? ग्लोरी, ग्लोरी। ठीक है, ग्लोरी का। हाँ ग्लोरी का कौन सा? ग्लोरी का एल्बम है ना? पता कैसा फील हो रहा है? फील तो बहुत बढ़िया हो रहा है। अभी डांस करके मजा आए? भाई सबसे बेस्ट डांस किसने करा? कहाँ करा? ये इसने करा सबसे बेस्ट डांस। कैसा डांस लगा? हाँ चला, ठीक लगा। और राव साहब, सब्सक्राइब करो, तुम बस तुम्हारा काम ये सब्सक्राइब करो। हाँ ठीक ठीक, सब्सक्राइब टू लव यादव वन ट्रिपल नाइन। इसे चेक करो। हाँ क्या रोम भाई, रोम रोम भाई हो क्या ब्रदर, मजे आ रहे हैं? मजे आ रहे हैं? मजे मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं। लाइक करो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी डाल दो। मैं ब्लॉग में आया हूं, मैं कह रहा हूं लाइक करो, और मेरे जितने भी दोस्त हैं लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, और मुझे दिखाएं। कभी दिखाएं लाइक सर, लाइक सब्सक्राइब। गाइस गाइस गाइस, लाइक कर दीजिए, लाइक ठोक दीजिए इस वीडियो पे। ये बंदा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए गाइस। भाई इस वीडियो पे ऐसा सब्सक्राइब मारिए, हथौड़ा लीजिए अपने घर से और मार दीजिए, बस मजे आ जाएंगे। बस आप करना है कि मोबाइल भी तोड़ दो, मम्मी चप्पल मारते मारते रहना। ऑन पीपल डिमांड सब्सक्राइब कर दो भाई, ऑन पीपल डिमांड। एंड वी फाइनली रीच आवर डेस्टिनेशन। लुक, ये नोएडा का जीआईपी मॉल के अंदर नूर और कुछ लोकल लोकर करके वो है। एंड ये वो वर्ड्स ऑफ वाटर टिकट्स मिलते हैं अजूमैन पार्क के, यहाँ पे अजूमैन पार्क वर्ड्स ऑफ वाटर। और ये देहरादून पब्लिक स्कूल के बच्चे हुए हैं। ये सबसे पुराना बार है यहाँ का, बेगम। और मैं आया हूँ आज कहाँ पे, वो भी दिखाता हूँ अंदर चल के। अजूमैन पार्क बच्चे आ रखे हैं बहुत ज़्यादा। फैशन टीवी, ये बाहर है, कोई फैशन टीवी का शो नहीं हो रहा है यहाँ पर। बाहर है लॉन्च, बाहर है लॉन्च। ये बच्चों के लिए थीम दे रखी है एयर इंडिया का, वो विमान बना रखा है, एयरपोर्ट पे बना रखा है एयर इंडिया। ये दूसरे स्कूल के बच्चे हैं। एक किड जेनिया का गेट, प्लीज़ यूज मेन एक्सेस टू एंटर। एक खुल जा, ओपन हो गया। अब ब्रदर से बैठे हैं, ये बैठे हैं किर्जेनिया। और जी किर्जेनिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब एक थीम है एयरपोर्ट जैसा है, तो ये पूरा मॉल ही
और ये कृष्णा शेर, और ये यहाँ से एंट्री होती है, और ये खड़े बच्चे, जिन बच्चों के साथ आया था मैं। बच्चे यहाँ पे, इनको वो पहनाई जा रही है बैंड, जिससे ये अंदर जा सके, एक्सेस मिलेगा अंदर का इसके। अभी अंदर जाके दिखाता हूँ, बच्चे बहुत हैं। शेर अभी अंदर पहुँच के, अंदर पहुँच के दिखाऊंगा अंदर जाके क्या। ये बैंड ले लिया जिससे एंट्री होगी, अंदर चलते हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी मूवी हॉल में जा रहे हैं, लेकिन अंदर जाके अलग ही नहीं जा रहे हैं। यहाँ एक बच्चों की अलग ही दुनिया बना रखी है। ये दैनिक जागरण का वो है, न्यूज़पेपर ब्यूरो, इंफॉर्मेशन सेंटर, मतलब हर चीज़ बना रखी है ऐसे, जैसे कि रेस्ट रूम, इमिग्रेशन ऑफिस, किडजेनियम, तो बच्चों की सब चीज़ें, जैसे एक देखो बच्चों के लिए हॉस्पिटल बना रखा, मतलब जिससे बच्चों को नॉलेज हो क्या क्या होता है, हॉस्पिटल कैसा होता है। आवाज बहुत ज्यादा आई। ये आगे ग्रुप के हराएंगे बच्चे। सर सर डिलीवरी बॉय, डिलीवरी बॉय बने हो, ठीक है धन्यवाद। ये हॉस्पिटल है यहाँ के बच्चों के लिए, मतलब जो चीज बच्चों को सिखाते बच्चों ने नहीं देखी है उनके, उसके लिए है। तो कुछ बच्चे इसमें लगे हुए हैं, सर हाँ, हॉस्पिटल में नर्स वगैरह, मतलब बकायदा दिखाया गया है क्या है क्या नहीं है। ये बच्चे के दिले बच्चे पर बच्चे हैं, इंफेंट्स क्या कहते हैं, शिशु हैं। और वो उधर बच्चे ऑपरेशन कैसे होता है, इमरजेंसी वार्ड कैसा होता है, सब कुछ दिखाते हैं। ये फायर ब्रिगेड जो आग बुझाने आती है, ड्राइविंग स्कूल बच्चों का, यहाँ बच्चों को ड्राइविंग सिखाई नहीं जाएगी, पता बताया जाता है कि ड्राइविंग कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। इसमें मैं थोड़ा कम दिखूंगा, लेकिन जगह नहीं दिखेगी। ये टीवीएस का रेसिंग बच्चों के लिए एक अलग ही दुनिया बना रहा है, नई तरह की। और ये ऐसे एंट्री मिलती है, एंट्री भी सस्ती है। ये फायर डिपार्टमेंट है, यहाँ बच्चों के लिए एक्टिविटी, जैसे हम जानते हैं जाते हो उत्तराखंड वगैरह तो बंजी जमते हैं या कुछ करते हैं, उसी तरीके से ये है। मूड ओवर डोनट्स सिक्का स्पॉट लाइट, मैगी पॉइंट होने हैं, DHL वगैरह सब कुछ बना हुआ। और यहाँ महंगाई बराबर ही है, एक मैगी 100 रुपए की मिल रही है। टेस्ट ऑफ हेवन, जैसे पूरा रेस्टोरेंट वगैरह बना रखा है, कमाई का मेन जरिया यही है। ये बैंक IDFC, मतलब जो बच्चों को नॉलेज नहीं है वो सब नॉलेज दी जाती है यहाँ पे। और आवाज का मुझे कोई आइडिया नहीं है भाई कैसी आ रही है, पैसे में माइक यूज नहीं करता, लेकिन फिर भी आज मैंने माइक यूज कर रखा है। ये डांस अकेडमी जहाँ बच्चों को डांस सिखाया जा रहा है थोड़ी देर के लिए, जहाँ बच्चे कुछ ना कुछ बनते रहते हैं। और ये वही बालक है जो मेरे साथ हो रहा इब्राहिम, क्या मजे आ रहे हैं? करो मजे आ रहे, ओए मजे आ रहे, पैसे नहीं है, ये वाले कहाँ मिलते हैं? ये मेन गेट से मिलते थे, लिए नहीं थे जब? अभी तुम कुछ बने हो, डांस सीखने जाओ ना, ये निकल जाएंगे उसके बाद चले जाना। ये रेसिंग वेसिंग करी कुछ? ये रेसिंग वेसिंग करी? जाओ ना करो, ये डिलीवरी वाले बनते रहोगे, ये बनते रहो, ठीक है। ये ऑफिस है, यहाँ बच्चों को जॉब जॉब दी जाती है, जॉब इंफॉर्मेशन,
न्यू टी लगा ये खोल रखा है, मतलब एक तरीके की नया एक चौकली जेयर मार्ट, बड़ों के लिए होता है डी मार्ट और चौकली जेयर मार्ट, यहाँ बच्चों को शॉपिंग करना सिखा रहे हैं। ये काउंटर है सेब नकली, अदरक नकली, आलू नकली, बस पैसे असली ले रहे हैं, बाकी सब्जी नकली है। हाँ ब्रदर कुछ खरीदा, ऐसे चला रहे हो ना, मोंगरा मतलब सेम बना रखा है सेम, लेकिन है सब कुछ नकली। कुछ ले ले भाई, ए बहुत अच्छे, अभी अभी बहुत बड़ा है, अभी दिखाता हूँ आगे क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं है दिखाता हूँ। ये न्यूट्रेला अंदर कैसे बनाई जाती है, न्यूट्रेला बनाना सिखा रहे हैं। ये अपने सेंट पीटर्स के बच्चे हैं, ये अब दीवार पर चढ़ाएंगे अभी। हेलो आस्क देम, अभी इसमें दीवार चढ़ाएं, दिखाता हूँ क्या चढ़ेगा, कौन चढ़ेगा, कौन बियर ये लग रहा है मैच खेल रहा है, लेकिन ये उस टीवी से कनेक्ट है। ये डबिंग एरिया है, मतलब जैसे गानों की डबिंग होती है तो बच्चों को सिखाया जाता है कैसे डबिंग चल रही है, कैसे डबिंग चल रही। और ये है होटल एंटरटेनिंग था, कुछ था वो टूट गया इसका, इसे जस्ट वगैरह से अर्थक्वेक के बारे में समझाएंगे, इसमें अंदर जाएंगे तो पता चलेगा तो अर्थक्वेक कैसे आता है या क्या होता है, एकदम कोई मशीन वगैरह होगी जिसमें बैठ गया इलाज ही तो होंगे बच्चों को। और बच्चों को ये वो बच्चे हैं जिन्हें इसे क्राइम करना है सुप्रीम कोर्ट, ये दुआ लगाने आए कि स्कूल वालों ने हमसे ज्यादा पैसे ले लिए हैं। अभी ये पुलिस स्टेशन है, जेल, सीएसआई क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, एलिवेटर और पुलिस स्टेशन। अभी मैं सेकंड फ्लोर पर आ गया हूँ, यहाँ पे ये एलिमेंट्री ए बी जेड स्कूल है, और जो शिकागो पिज्जा दिख रहा था ये ओरिजिनल है, मतलब जो खाने पीने की चीज़ें वो ओरिजिनल है, बाकी सभी लोग अलग, क्योंकि खाने पीने के रेस्टोरेंट से इनकी कमाई हो रही है बहुत अच्छी। एक चाय 100 रुपये की मिल रही है, ठीक है, स्ट्राइक हाउस देखो कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे चाय रखे हैं। ये सर एक कैसे प्रीत विहार, प्रीत विहार के बच्चे हैं दिल्ली के, बच्चे नाचते देख लें, बच्चे तो नाच लिए, मैडम नाच रही हैं। और ये उधर असली वाला पिज्जा, इधर नकली वाला पिज्जा, ठीक है। और ये प्लेस स्टेशन जहाँ पर राघव के वाला का आना जाना बना रहता है, ठीक है। अभी बहुत ही रह गए हैं, एक्सप्लोर कराता हूँ धीमे धीमे। ये फायर ब्रिगेड गाड़ी है, और बच्चों को सिखाया जा रहा है कि अगर आग लग जाए तो कैसे आग बुझाई जाती है। अच्छा, एक सीधा पानी नहीं डाला जाता, ऊपर नीचे करके पानी डाला जाता, मतलब कैसे पानी डाला जाता है, क्या करा जाता है, ये सिखाया जा रहा है बच्चों को, ठीक। बने रहो, बोर हो रहे हो तो बता देना, बोर मत होना। ये एक सलून, इसमें सिखा रहा है बच्चों की वो नेल पॉलिश वगैरह करे जा रहे हैं, और सिखाया जा रहा है कैसे क्या होता है। हाँ गाइस, जब ही मैं नीचे था जब बच्चे ऊपर नहीं थे, ये बच्चों को चलना सिखा रहा है, मतलब रोप से बांध दिए हैं, और होता नहीं है उत्तराखंड साइड में या मूवियों में देखा हुआ होता रहता है, इसका नाम मेरे को पता नहीं, आप पता कर लेना क्या नाम है। ये भी सिखाया जाता है, ये एक्टिविटी का एक हिस्सा है, ठीक है। लोग ऐप दे टीम देखो इसकी पूरी, और मजेदार बनाई हो जा। अगर किसी बच्चे का बर्थडे है और उसे बर्थडे सेलिब्रेट करना है, लोग क्या देस यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट कर सकता बच्चा, मतलब जो भारत की दुनिया है ना उसी एक अलग दुनिया बनाई है, यहाँ पर तुम्हें हर चीज मिलेगी, क्या मिलेगा, हर चीज मिलेगी। ये देखो पासपोर्ट बना ले, पासपोर्ट भाई, पासपोर्ट ऑफिस है, पासपोर्ट भी लगा, पासपोर्ट लगा टिंकल, बच्चों के खेल कूद के सामान। और सबसे ज्यादा जरूरी बात रहा हूँ, बहुत ज्यादा बहुत जरूरी, यहाँ वो है
स्टॉक एक्सचेंज बता बच्चे को शेयर मार्केट से आ जाती है। अभी से आगे चलते हैं ताकि बच्चे सही रहे। ये इसलिए खोला गया ताकि बच्चों का दिमाग डेवलप रहे, कॉल ना करें। एक नंबर भी हो सकता है, इस पर कॉल करने की जरूरत नहीं है। ये दुकान यहाँ से शायद बंद हो गई है। तो मतलब एक तरीके की आवासी आवासी, हाँ आवासी दुनिया जो मतलब बाहर है वही अंदर है, सेम टू सेम डिटो बना रखी है। क्या क्या होता है जीवन में, क्या नहीं होता है, सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है। और लोग भी रख सके सिखाने के लिए अंदर। ऐसे देख के ना एक चीज और याद आ रही है, जो कपिल शर्मा का सेट है ना, द कपिल शर्मा शो, वो भी ऐसा ही बना। ये ऊपर ए सी ए सी लगा रखी बहुत ज्यादा। ये अभी चलते हैं, वेट करने चलते हैं। मतलब ये एक घर है जैसे किचन कैसी होती है, क्या क्या ऐसा होता है, सब कुछ है। ये घर बनाया है, एक तरीके का घर बनाया है। ये एंट्रेंस हो गया इसका, ये होगी लॉबी, वो डाइनिंग एरिया, क्या कहते हैं, रिलैक्सिंग एरिया, डाइनिंग एरिया, कंप्यूटर, सोफा, किचन, किचन भी बना रखी है। बताऊँगा, ये किचन है और ये अभी देखो टीवी चल भी रहा है और ये है वो मजा आएगा भाई। इसके साथ बेडरूम है, एक ही बच्चे का बेडरूम, एक छोटू छोटू सा, अरे ये तो राव साहब है। वॉशरूम है, वॉशरूम ही है। ये खेलने की जगह है भाई, बनाया तो मस्त है, पैसे भी मस्त ले रहे हैं इसी चक्कर में। और यादव जी अच्छे लग रहे हैं, अपनी तारीफ खुद करते रहो क्योंकि दुनिया बैठी है पढ़ाई करने के लिए। अभी कोई होता ना तो उसको अपनी वीडियो बनाता। कोई चीज तस्वीर नहीं, कोई चीज तस्वीर इसमें कैसे गाते हैं, इम्प्रोवाइज़ कैसे बनते हैं? नहीं मैं बाहर से तो बना ही सकता हूँ, पूरे चॉकलेट वगैरह मैं अंदर भी जा सकता हूँ, अंदर जा सकता हूँ, बच्चा तो जा ही सकता, फोन ले जा सकता हूँ, अच्छा फोन नहीं ले जा पाए तो कोई नहीं, बाहर से ठीक, चल ठीक है बाहर से, तो ठीक है। आपने हमेशा सुना होगा छोटे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ देखो ये छोटे छोटे देशों में छोटी छोटी बालकनी कितनी प्यारी प्यारी लग रही है। नाश्ता कॉर्नर, यहाँ आपको मिलेगी बड़े ही जलेबी नाश्ता कॉर्नर पर। मजा कर रहा हूँ, कुछ भी मिल सकता हूँ, मैं बार बार घूम के यहीं आ जाता हूँ, पता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, लेकिन आ जाता हूँ बार 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 घूम के यहीं। यहाँ आइसक्रीम बनाना सिखाते हैं, आइस कैंडी, टेम्पररी क्लोज। पूरा अंदर तक बाहर तक हर जगह बच्चों के लिए बना गया है, लेकिन ये वाली जगह बनाई गई है पेरेंट्स के लिए, जहाँ पेरेंट्स आके रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये पेरेंट्स के लिए सोफा वगैरह डाल रखे हैं, अगर किसी को गेम वगैरह खेलने तो गेम खेल सकते हैं, ये कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा ये गेम खेल के देखता हूँ, फुटबॉल ये खेलूँ कैसे, अकेला कौन खेलता, कोई होना भी तुझे ही साथ। यार बोला भाई तू बाहर बैठा रह गया यार, आना चाहिए तुझे भी अंदर। बोला बोल रहा था मैं कल भी घुमा हूँ आज भी घूम, मैंने मेरे से नहीं घुमा यार, मैंने भाई मैं तो जाऊँगा, मैंने कल ब्लॉग नहीं बना पाया ना इस वजह से, आज तक मैंने माइक यूज नहीं करा, आज माइक यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ना अंदर बच्चे बहुत हैं और बहुत शोर है, इस चक्कर में मैं माइक यूज कर रहा हूँ, और पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही होगी, कम ज़्यादा देखो क्या होता। लेकिन आप अपना प्यार बनाए रखना भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना यार, पेरेंट्स लॉन्च। अभी हम जिस जगह आए हैं उस जगह का नाम है
किड जेनिया, ये जो दिल्ली एनसीआर में पड़ता है, दिल्ली एनसीआर के जीआईपी मॉल है उसमें पड़ता है। आप अपने बच्चों को नई एक्सपीरियंस के लिए, नई चीज़ें सिखानी हो इसके लिए, यहाँ एक बार लाएं। नहीं, वंस अ वाइल यू हैव टू कम विद योर चिल्ड्रंस एंड एक्सपीरियंस दिस प्लेस इज वेरी गुड फॉर चिल्ड्रंस। माई इंग्लिश इज अ लिटिल बिट अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, बट आर रिलेशनशिप इज हर्ट टू हर्ट, हर्ट टू हर्ट। यू कैन अंडरस्टैंड वॉट आई से, वॉट आई डोंट से, सो प्लीज try to understand what I am saying. What once you have to come with your children here for activities, they learn here very important things, their knowledge is increased day by day if they come. Main unhe sahi laga ke dekhta hu main kitne mehnat lagte hain, dekhta hu bhai kitna kar leta, theek hai. Koi camera pakadne wala nahi hai, that's why dekho aapko dikhta nahi dikhta. 15, ओ 4, वेरी गुड लग ज्यादा, आई एम प्राउड ऑफ यू. ओ ये तो ज्यादा का बार हो गया, आई एम प्राउड ऑफ यू ब्रो. हाउ क्यूट दे आर ब्रो. इनकी खुद की KGU है, इंद्रजेनिया यूनिवर्सिटी. इनका सब कुछ है खुद का, यूनिवर्सिटी में बना रखी है. रोड ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं यहाँ पे. ड्राइविंग जो मतलब बाहर जो जो बाहर की दुनिया में होता है वो यहाँ सब कुछ हो रहा है. सब ये कुछ ये करवा रहे हैं, मतलब बच्चों का, बच्चों के लिए सब, मतलब कैसे समझाऊं कि मानो जो बाहरी दुनिया में वो सब कुछ है. ड्राइविंग ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल हो या फिर सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल, जो चीज बाहर सिखाई जाती है वो यहाँ सिखाई जाती है. और ये सब एक है वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, पार्ले. तो यहाँ सिखाया जाता है पार्ले भी कैसे बनती है, मतलब पार्ले इसकी फैक्ट्री हो कैसे बनाई जाती है. और मैं इन जगह पे इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मेरा जान अंदर अलाउ नहीं है. फिर उनमें बच्चे आ सकते हैं, किंडर जॉय, आइस कैंडी, पार्ले जी या चॉकलेट वगैरह सब कुछ कैसे बनाया जाता है, सब कुछ बनाया जा रहा है, बच्चों को सिखाया जा रहा है. लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि सरकारी काम, यहाँ भी काम से टाइम दिन हो रहे हैं, इमिग्रेशन ऑफिस बंद कर दिया इतनी जल्दी. भाई सरकारी काम टाइम से हो क्यों नहीं रहे, कहीं भी हो, चाहे बच्चों का हो, रियल हो, फेक हो, लेकिन हो ही नहीं रहा कुछ काम. कैसा फील हो रहा है भाई, कैसा फील हो रहा है, मजे आ रहे हैं? क्या बने हो तुम, डिलीवरी बॉय बन रहे हो? पैसा बर्बाद कर दिया तुमने यार, इतनी दुरा के डिलीवरी बॉय बन रहे यार. आई थिंक ब्लॉग में जो था मैं सब कुछ दिखा चुका, और जो किडजेनिया जो इस जगह है था जो सब कुछ मैं दिखा चुका हूँ, और कुछ रह रहा होगा मैं क्लिप ऐड कर दूंगा. नाउ ब्लॉग खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ब्लॉग हो रहा है बहुत ज्यादा लंबा, बहुत ही ज्यादा लंबा. और ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद. और आप चाहते हैं मैं मेरे से जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम की लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, डू फॉलो. राधे राधे.